वहीं एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट के साथ ही नई मेरिट लिस्ट भी आ गई है। इसमें टॉपर्स की संख्या घट गई है। पुरानी लिस्ट में जहां 67 कैंडिडेट्स को AIR 1 मिली थी, वहीं अब यह संख्या घटकर 61 हो गई है। री एग्जाम में ग्रेस मार्क्स वाले कैंडिडेट्स 1563 के लिए हुआ था। वहीं बता दें कि इसमें सिर्फ 813 ही भाग लिया था। 720 में से 720 नंबर पाने वाले 6 में से 5 स्टूडेंट री एग्जाम में शामिल हुए थे। इनमें से किसी ने भी री एग्जाम में टॉप नहीं किया है। हालांकि सभी 5 कैंडिडेट्स ने री एग्जाम में 680 से ज्यादा स्कोर किया है। वहीं छठे कैंडिडेट्स को भी ग्रेस मार्क्स हटाकर बने नंबरों की मार्कशीट दी जाएगी। ऐसे में अब टॉपर्स की गिनती 6 कम हो गई है। बता दें कि नीट यूजी 2024 काउंसलिंग प्रोसेस 6 जुलाई 2024 से शुरू होने वाली है।